हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि कभी भी कोई वीडियो चाहे लाइव अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, आप कुछ भी मिस आउट ना करें। बस एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं, तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और यूपी बोर्ड है। और इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से ई नोट्स और ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर जो अपन टॉपिक लेकर के आए हैं वो है एक बहुत ही जाना पहचाना माना हुआ टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक बहुत ही अलहदा तरह का सर्किट होता है जो सॉल्व करने में कभी कभी भैया पसीने निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना वो थोड़ा सा वियर्ड नेटवर्क होता है, बिकॉज यहाँ पे आप उसमें फिगर आउट नहीं कर पाते यार कि कौन सा सीरीज है, कोई पैरेलल है भी कि नहीं है, इसलिए काफी मुश्किलें आती है इसको सॉल्व करने में। तो वो मुश्किल तो मैं ना आए, वो अपन इसको सिंपलीफाई कर दें, ये अपना ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वीडियो का। तो चलें बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं, आपको लेकर के आते हैं कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, कुछ इस तरह का नजारा होता है एक WSB का, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का। ठीक है, अब जरा गौर करें। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पी और क्यू वाला रजिस्टर जो है क्या वो सीरीज में, भाई मेरा सवाल सुनना क्या बोला मैंने। ठीक है, मेरा सवाल सुनना, मैंने क्या बोला कि क्या पी और क्यू वाला जो सर्किट है, जो पी और क्यू वाला जो रेजिस्टेंस है क्या वो सीरीज में है। तो आप मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि पूरा लिखना है, सिर्फ ये नहीं कि सर यस या नो। ठीक है भाई, लिखो पूरा, लिख दे कि सर पी एंड क्यू नॉट इन सीरीज। और अगर आपको सही में समझ में आ गया था कि हाँ भैया नॉट इन सीरीज है, तो ऐसे होता ना फायर इमोजीज, ठीक है, कैसे बनेगा वो बनाते हुए चल रहा। ठीक है, चलो P और Q वाला सीरीज में है क्या? नहीं सर, सीरीज में नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा कि क्या P और Q पैरेलल में है क्या, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या P और Q पैरेलल में है, लिखना पूरा कि या तो पैरेलल में है सर या तो पैरेलल में नहीं है सर। ठीक है, उसके बाद जो भी सही होगा वो तो मैं बता ही दूंगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दिया। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, बेटा P और Q वाला पैरेलल भी नहीं है सर। क्यों नहीं है, पहले एक बात जरा वहां चेक करना कि सीरीज क्यों नहीं था, क्योंकि P और Q के बीच में एक नोड आ गया है, और अगर दो डिवाइसेस के बीच में एक नोड आ जाएगा तो वो डिवाइसेस सीरीज में नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब इसलिए वो सीरीज में नहीं था भाई, पैरेलल के लिए क्या होता है, अगर दो डिवाइसेस को पैरेलल में रहना है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम जगह पे होना चाहिए, उनका एंडिंग पॉइंट भी सेम जगह पे होना चाहिए। तो भाई पी और क्यू का चलो एक टर्मिनल तो सेम जगह पर मैच कर गया, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका अगला टर्मिनल कहीं और जा रहा है, इसका अगला टर्मिनल कहीं और जा रहा है, तो ये इवेंचुअली पूरा पैरेलल बन नहीं पाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर आप ऐसे ही ना कोई से भी डिवाइसेस चेक कर लो, ना ही वो आपको सीरीज में समझ में आने वाले हैं और ना ही वो आपको पैरेलल में नजर आने वाले हैं। तो भैया इस तरह के सर्किट को फिर सॉल्व करना अपन शुरू कैसे करेंगे, आया समझ में क्या बोला मैंने, इस तरह के सर्किट को फिर अपन सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करेंगे। तो अब जरा मेरी बातों पर ध्यान देते हुए चलना। पहली बात तो यहां देख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अगर चार रेजिस्टेंस हैं, पी है, क्यू है, आर और एस है, आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ ब्रिज एज शोन इन द फिगर, एक सेल लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, और की लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा गैल्वेनोमीटर है, जी का मतलब क्या है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट के डायरेक्शन को सेंस कर लेता है। क्या बोला मैंने, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट के डायरेक्शन को सेंस कर लेता है, जिसका मसला ये है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल करंट अगर इस तरफ जाएगा तो डिफ्लेक्शन यहां पे आ जाएगा, और करंट मान लिया अगर लेफ्ट में जाएगा तो फिर डिफ्लेक्शन यहां पे आ जाएगा। ये है तुम्हारे पास में गैल्वेनोमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बस अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आए, डिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आया इसका मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करा, और अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या है यहां पर बोल के रखा है कि भाई सॉल्व कैसे करेंगे इसको, और उसके बाद यहां पर कुछ लिखा हुआ है ऐसा करके, ये सारी चीजें ना सेंसिबल तुमको लगना शुरू होंगी। अब जरा ध्यान देना, तो पहला मैटर क्या है कि भाई इस तरह का सर्किट जो था ना वो पहली नजर में देख के लगता है कि सॉल्व तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना क्या होता है,
ये लगाया अपन ने एक रजिस्टर, ठीक है, और यहां पे लगा देंगे अपन एक और रजिस्टर, ठीक है, और फिर एक रजिस्टर अपन यहां पे लगा देंगे, फिर यहां लगा देंगे अपन एक और रजिस्टर, ठीक है। अब देख क्या होता है, सुनना मेरी बात को अच्छे से। इसके पास पी ओम का था, क्यू आर एस ऐसे करके रखा है क्या? जी सर, पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब जरा गौर करो बेटा, अगर अपन इसकी बात करें अच्छे से, ध्यान देते हुए चलना। मान लो इसके बीच में हमने लगा के रखा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई। यहाँ पे जो जी मैं लिखा हूं ना, इस जी का मतलब क्या है पता है? जी गैल्वेनोमीटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और भाई हर डिवाइस के पास ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता है, तो यहाँ पे जो जी का सिंबल है ना, वो गैल्वेनोमीटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्वेबल तो नहीं है, ठीक है, बट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज बिकम सॉल्वेबल एट अ बैलेंस कंडीशन, ठीक है। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, सुनते हुए चलना अच्छे से एक बार, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस व्हीटस्टोन ब्रिज बिकम्स सॉल्वेबल, दिस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बिकम्स सॉल्वेबल इजिली एट बैलेंस कंडीशन, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होता है और बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है, इन दो चीजों का आपको आंसर ढूंढना है। क्या बोला मैंने, बैलेंस कंडीशन खुद क्या होता है और बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है, ये दो चीज समझ जाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज डन हो चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि बेटा बैलेंस कंडीशन क्या होता है। तो किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के लिए बैलेंस कंडीशन ये होती है कि गैल्वेनोमीटर के, सुनना, कि गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट में जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही गैल्वेनोमीटर के राइट के रेजिस्टेंस का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट में रेजिस्टेंस कौन से है, पी और आर, ठीक है। तो पी का और आर का रेशियो ये किसके बराबर होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के राइट के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर, गैल्वेनोमीटर के राइट के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर, मतलब क्यू अपॉन एस के बराबर। मतलब क्या बोला मैंने, मतलब क्यू अपॉन एस के बराबर, ठीक है। क्या आपको यह वाली बात समझ में आ गई बेटा, जल्दी बताओ। बैलेंस कंडीशन क्या है वो तो बता दिया, बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है वो बताऊंगा। ये अपने पास बैलेंस कंडीशन है कि पी अपॉन क्यू इज पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एस, दिस इज द बैलेंस कंडीशन, ठीक है। और जब बैलेंस कंडीशन अचीव हो जाती है, मतलब अगर पी और आर का रेशियो जो है वो अगर क्यू और एस के रेशियो के बराबर आ जाता है, तो इसे कहा जाता है बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन पे होता यह है कि सेंट्रल ब्रांच में से करंट पास नहीं करता, इसका मतलब नो करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें कि एट बैलेंस कंडीशन, अपन क्या लिखेंगे इसमें कि एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है, तो एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन होता यह है कि जो लेफ्ट साइड का रेशियो है वो राइट साइड के रेशियो के बराबर हो जाता है, तो सेंट्रल ब्रांच में से करंट पास नहीं करेगा। एट बैलेंस कंडीशन नो करंट पासेस थ्रू द सेंट्रल ब्रांच, नो करंट पासेस वाया सेंट्रल ब्रांच, सेंट्रल ब्रांच में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, नो करंट पासेस वाया सेंट्रल ब्रांच, दैट इज भाई आई जी इक्वल टू जीरो। सर ये आई जी का मतलब क्या होता है, आई जी का मतलब होता है बेटा गैल्वेनोमीटर करंट। इसका मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास ऑन नहीं करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ऐसे करते हैं, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास ऑन नहीं करेगा। तो बेटा जब बैलेंस कंडीशन अचीव हो चुकी है, तो मतलब सेंट्रल ब्रांच पूरा कट ऑफ हो चुका है, तो नो करंट पासेस वाया सेंट्रल ब्रांच, दैट इज सेंट्रल ब्रांच बिकम्स कट ऑफ। तो देयरफॉर अब जो ये सर्किट बनेगा ना आपके सामने, अब जरा ध्यान देना बेटा, देयरफॉर सर्किट देख कितना प्यारा एकदम सॉल्वेबल सर्किट बन जाएगा, सुनते हुए चलना अच्छे से। एकदम प्यारा सॉल्वेबल सर्किट तुम्हारे सामने जो है ये प्रस्तुत हो जाएगा, जरा गौर करना बेटा अच्छे से। ये रहेगा अपने पास सेंट्रल ब्रांच, पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कट ऑफ हो चुका है। जब सेंट्रल ब्रांच कट ऑफ हो चुका है, तो बस यहां पे इधर इधर इधर, जब सेंट्रल ब्रांच पूरा कट ऑफ हो चुका है, तो बस एक रेजिस्टर लगेगा यहाँ पे, इट्स एज सिंपल एज दैट। और एक रेजिस्टर लग जाएगा यहाँ पे, इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद फिर यहां पे एंडिंग है, ठीक है। अब देख क्या था, पी क्यू आर एस था ना, इसको मैं लिख देता हूं, ये अपने पास पी था, अलग अलग पेन से करेंगे, पी था, ये क्यू था,
ये R था और ये S था। अब बताओ भाई क्या अब ये सर्किट तुम्हारे लिए सॉल्वेबल नहीं है? सर बिल्कुल सॉल्वेबल है, बस बीच वाला ब्रांच कट गया। तो अब क्या हो जाएगा, पहले P और Q सीरीज में नहीं आ पा रहे थे। क्यों नहीं आ पा रहे थे? बिकॉज बीच में एक ये इफेक्टिव नोड था, वो नोड इफेक्टिव था ना, ठीक है, बिकॉज वहां पे सच में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट्स व्हाई वो नोड इफेक्टिव है। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे मैं अगर ऐसा एक ऐसा मैंने बना भी दिया कि भाई यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था बट ये ओपन सर्किट है, तब भी वो कोई नोड थोड़ी तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम जानते हो करंट जब यहां पहुंचेगा ना तो करंट यहां पे डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज सेंट्रल ब्रांच पूरा कट ऑफ हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। तो अब ये इफेक्टिव नोड नहीं रहा, तो देयरफॉर पी और क्यू कैसे सीरीज में आ गए, और आर और एस कैसे आ गए, वो भी सीरीज में आ गए। देयरफॉर इस सर्किट को मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूं, एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर, एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर, पी क्यू आर एस, ठीक है। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से, बस डन 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 डन। तो ये बेटा मैंने क्या पूछा कि क्या होता है बैलेंस कंडीशन, दिस इज द बैलेंस कंडीशन, और बैलेंस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जैसे बैलेंस कंडीशन आएगी तो फिर सेंट्रल ब्रांच में से करंट पास करना बंद कर देगा, सेंट्रल ब्रांच पूरा कट ऑफ हो जाएगा। तो पी और क्यू सीरीज में, आर और एस सीरीज में, ये रहेगा उसका नेट सोल्यूशन। आराम से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है बेटा आप लोग को? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन सुपर क्लियर, इट्स एज सिंपल। जी सर, बहुत शानदार तरह से पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। चलें, अगर ये पूरा फंडा क्लियर हो गया ना बेटा, तो अब मैं आपको करवाता हूं इसका डेरिवेशन कि भैया ऐसा कैसे होता है। ठीक है, देखो भैया, अभी तो मैंने बस बताया था कि अगर ऐसा रेशियो हो गया तो आईजी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बेटा इन दो चीजों पे ना अपना दिल लगा के रखना अच्छे से, इन दो चीजों पे अपना दिल लगा के रखना अच्छे से कि अच्छा बैलेंस कंडीशन पर, बैलेंस कंडीशन पर आईजी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये तो मैंने तुमको बताया लेकिन प्रूव नहीं करवाया ना, तो प्रूव करवाऊंगा विद प्रॉपर डेरिवेशन, ठीक है। तो जो चीजें यहां पे लिख करके रखी हुई हैं, इसको जरा एक बार मैं सेपरेशन दे दूं ताकि आप इसको और तरीके से नोट कर सकें, आपके नोट्स बहुत सटीक बन जाए, ठीक है। ये आपके नोट्स को सटीक करने का बहुत शानदार तरीका है, तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। चलिए भाई, ठीक है, बहुत शानदार। तो मेरे ख्याल से वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है कि अब अगर लेफ्ट साइड के रेशियो राइट साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा तो फिर सेंट्रल ब्रांच जो है वो कट ऑफ हो जाता है। अब ना एक बात जरा और सुन लो बेटा, ये जो लिखा है ना, ये पी अपॉन आर, इसे अपन कहते हैं लेफ्ट आर्म का रेशियो। क्या बोलूंगा मैं इसको, पी अपॉन आर को, लेफ्ट आर्म का रेशियो, पी अपॉन आर इज कॉल्ड एज द लेफ्ट आर्म रेशियो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट साइड में जा रहा है ना बेटा, तो लेफ्ट आर्म का रेशियो, और क्यू अपॉन एस को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन कहेंगे राइट आर्म का रेशियो। लिखो लिखो लिखो, फुर्ती में लिखो, जल्दी करो, इसको अपन कहते हैं राइट आर्म का रेशियो। जल्दी लिखो बेटा तुरंत से पहले, ठीक है। चले, हो गया सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। चले, अगर पूरा फंडा क्लियर हो गया तो अब जरा यहाँ पे स्टेटमेंट विल नाउ स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। सेंट्रल ब्रांच सॉल्वेबल, मतलब सेंट्रल ब्रांच कट कब हो जाएगा, जब बैलेंस कंडीशन हो जाएगी पी अपॉन क्यू इज। अब एक ही बात है यार, एक ही बात है, क्यू को वहां पहुंचा दे, क्यू को वहां पहुंचा दे, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं यार, जरा गौर करो। अगर तुमको लेफ्ट आर्म राइट आर्म के बेस पर चलना है तो पी अपॉन आर था ना, आर को नीचे पटको तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एस। अब क्या है ना कि ये बढ़िया लगा लिखने में, क्यों लगा ये बढ़िया लिखने में, क्योंकि अब ये जो P अपॉन R है ये लेफ्ट साइड का रेशियो हो चुका है और Q अपॉन S जो है वो राइट साइड का रेशियो हो चुका है, ठीक है। चलें सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो ये अपने पास था पूरा स्टेटमेंट, बैलेंस कंडीशन ये थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको बकायदा पूरा प्रूव करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलें, अब मैं इसका पूरा डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं या फिर प्रूफ स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डाल देना हेडिंग प्रूफ ऑफ बैलेंस कंडीशन, ठीक है, या लिख दो व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस कंडीशन, लिख देना कि व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस कंडीशन, लिख देना व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस कंडीशन, ठीक है भाई साहब। चलें, कहानी को स्टार्ट करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस कंडीशन। चलिए बेटा, अब करें शुरू, कहानी को शुरू करें। चलें सर, कहानी को ओपन कर रहे हैं शुरू, ध्यान दीजिए, ये लगाया अपन ने एक रजिस्टर, बस किरचॉफ के बेसिक बेसिक फंडे यूज करने हैं यार, और कुछ नहीं है। ये लगाया अपन ने एक और रजिस्टर, ठीक है, उसके बाद फिर सर एक यहाँ पे लगाता हूँ, ये लगा दिया अपन ने एक रजिस्टर यहाँ पे, बढ़िया, और एक रजिस्टर सर लग गया है बहुत शानदार सा यहाँ पे, ठीक है। ये लग गया अपने पास चार रजिस्टर, और सेंट्रल ब्रांच में लगा है गैल्वेनोमीटर,
सेंट्रल ब्रांच में लगा है एक गैल्वेनोमीटर। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर होता है और जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एज वेल, ठीक है। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर होता है और जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एज वेल, ठीक है। अब जरा अपन ध्यान देते हैं, अब जरा अपन फोकस करते हैं कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस है। तो पी हो गया, क्यू हो गया, R हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो P Q R S, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलना क्या करना पड़ेगा इसके साथ साथ, ठीक है। शुरू करें पूरी कहानी को, सर्किट पूरा बना दें। तो भाई इसको पावर अप करने के लिए यू नीड टू हैव अ सेल, ठीक है। एक सेल लगा दिया मैंने, तुम्हारा मन करे तो की बनाओ, तुम्हारा मन ना करे तो ना बनाओ की। मैंने बना दिया की तुम्हारे लिए, ठीक है। और इसको अपन ने फिर पूरा क्लोज कर दिया है और की को अपन ने कर दिया है ऑन, मतलब सर्किट अब पूरा एकदम प्लान इसका ऑन हो चुका है, ठीक है। अब करंट यहाँ से पास करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। तो करंट यहाँ से निकला है आई के बराबर, करंट यहाँ पहुंचेगा भी कितना, आई के बराबर, ठीक है। अब आई में से जो करंट ऊपर की तरफ जाएगा उसको आई वन बोल दो, आई में से जो करंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा इसको आई वन बोल दो, आई वन बोल दो इस करंट को। तो बेटा अगर आई में से आई वन वहां चला गया तो जो करंट फिर यहां से पास करेगा इसको आई माइनस आई वन बोलना चाहिए, हाँ कि ना, बताओ बेटा। अगर आई में से आई वन गया ऊपर तो यहां कितना जाएगा, आई माइनस आई वन। अब आई वन में से जो करंट नीचे की तरफ जाएगा इसको आई जी बोलेंगे, ठीक है। आई वन में से जो करंट नीचे की तरफ जाएगा इसको आई जी बोलेंगे। तो आई वन में से आई जी यहां चला गया तो यहां कितना बन जाएगा बेटा, आई वन माइनस आई जी। चमका, I1 में से IG गया नीचे तो आगे जाएगा I1 माइनस IG। बेटा यहां से I माइनस I1 प्लस IG मिल करके जब यहां से पास करेगा तो ये हो जाएगा I माइनस I1, और यहां से आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का IG। इट्स एज सिंपल एज दैट भाई, यहां तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख यहां पे क्या हुआ, यहां पे I1 माइनस IG और I माइनस I1 प्लस IG दोनों जुड़ गए। तो बेटा IG IG निपट गया, I1 माइनस का I1 प्लस का निपट गया, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ I। तो मतलब सर्किट का जो एग्जिट पार्ट है उसमें आपको सिर्फ I करंट ही देखने को मिलेगा। और अच्छी बात है भैया, खुशी की बात है, जितना करंट इस सेल ने निकाला अपने थ्रू उतना ही करंट इसको रिसीव भी हो गया है, मतलब सर्किट अपन ने पूरा सही बनाया है एज फार एज करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न, ठीक है। ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने पास था सर्किट, अगर ये हल्का सा बड़ा हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि मैं इक्वेशन तो नीचे क्या ही लिख पाऊंगा अब, ठीक है। तो इक्वेशन तो मैं लिखूंगा साइड में ही, थोड़ा सा बड़ा चले। चलिए सर, तो यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर, पूरा सटीक हो चुका है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे अपन इक्वेशंस खेलना शुरू कर देंगे। तो भाई इक्वेशंस कैसे खेली जाएगी, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कैसे कितने पॉसिबल तुम्हें लूप दिखाई दे रहे हैं, तुम सिर्फ मेरे को लूप का नंबर बताओ, ठीक है। टाइम्स टाइम को मार्क करके लिख दो कि सर पॉसिबल लूप हमारे हिसाब से इतने लग रहे हैं, ठीक है। गिन लो भाई, लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कितने क्लोज पाथ नजर आ रहे हैं, टाइम्स टाइम को मार्क करके लिखना शुरू कर देना। सर इतने नंबर ऑफ पाथ इन दिस पर्टिकुलर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं बेटा, ताकि आप इत्मीनान से सवाल को देख सकें। वीडियो को भले ही पॉज कर लेना और उसके बाद मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ पॉसिबल तुम्हें क्लोज लूप नजर आ रहे हैं। लिख लिया, चलो अब जरा मैं गिनवाता हूं, ठीक है। कई लोग को तीन लग रहे होंगे, कई लोग को चार लग रहे होंगे। देखो बेटा, एक, ठीक है, ये वाला हो जाएगा बेटा दो, ठीक है। ओके जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला बेटा, इसको मैंने बोला एक, बढ़िया, इसको मैंने बोला दो, बढ़िया। अब देख क्या होता है, यहाँ शुरू कर एक करके, ऐसे करके ये अपने पास तीन हो गए। उसके बाद देख, ऐसे गए, नीचे गए, चार हो गए, ठीक है। अब एक और चीज़ देखना, यहाँ से गया ऊपर, इधर इधर पाँच हो गए। अब एक और देख ले, ऐसे गया नीचे ऊपर इधर छे हो गए। तो कायदे से यहाँ पे छह पॉसिबल लूप मेरे को नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें कितने लूप्स का काम पड़ने वाला है, अपना काम दो में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं पहले लूप नंबर वन पे खेलता हूँ, फिर लूप नंबर टू पे खेलूंगा, ठीक है। इस बात को प्लीज ध्यान रख लेना यार, इस बात को प्लीज 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 ध्यान रख लेना कि मैं इसको कह रहा हूँ लूप नंबर वन। कलर डिफरेंट लेता हूँ, कुछ कलर कुछ एकदम अलग सा ले लूँ क्या, ये कलर ले लूँ क्या, इसको बेटा अपन बोलेंगे लूप नंबर वन,
इस पे जरा ध्यान रख लेना, और इसको बोल दूंगा मैं लूप नंबर टू, जरा इस पे ध्यान रख लेना प्लीज यार, ठीक है। तो अब लूप वन पे अपन गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो लूप वन पे कैसे गेम खेला जाएगा बेटा, शुरू करें पूरा खेला। अब जरा यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे मैं शुरू करूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पे खत्म, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने यहां से स्टार्ट करूंगा, इतने वाले लूप पे मैं पहले खेल लूंगा, ठीक है। तो चले सर खेलना स्टार्ट करते हैं इस पे, चलो आ जाओ। स्टार्ट करा तो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये लूप वन पे खेल रहा हूं बेटा, कहां खेल रहा हूं, ये लूप वन पे खेल रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, जरा गौर करना, माइनस का आई वन पी बिकॉज प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद यहां जब मैं कूदूंगा ना बेटा, साइन कन्वेंशन ध्यान देना, ये वाला हाई था, ये वाला लो था, ऊपर से करंट नीचे आ गया, ये वाला हाई ये लो, करंट यहां से यहां गया तो हाई ये वाला लो, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वाला हाई ये वाला लो, करंट यहां जा रहा है तो ये वाला हाई ये वाला लो, ठीक है। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस आई वन पी, बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का आई जी जी, मैंने बोला बहुत बढ़िया, माइनस का आई जी जी बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा आई माइनस आई वन इंटू आर, प्लस का हो जाएगा आई माइनस आई वन इंटू आर, बहुत बढ़िया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर आपको यह बोल दूं, कि भाई अगर अपन ऐसा मान लें कि आई जी की वैल्यू जीरो है, मैंने क्या बोला, अगर हम ऐसा अजम्पशन ले लें कि आई जी की वैल्यू जीरो है, तो तब जाकर के सर्किट पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा गौर करते हुए चलना। अगर आई जी की वैल्यू जीरो मान ली ना, तो माइनस आई वन पी उसको वहां फेंक देना, तो माइनस का आई माइनस आई वन इंटू आर, माइनस माइनस कट जाएगा, दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है। अब अपने पास ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, कब बना, जब आई जी की वैल्यू को हम जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। अब जितना प्यारा काम लूप वन पे कर रहा है बेटा, उतना ही प्यारा काम जरा लूप टू पर भी हो जाए तो मजा आ जाए, पक्का। अब शुरू करते हैं लूप टू पे कार्यक्रम, ठीक है। तो लूप टू मतलब क्या है, ये वाला लूप है। अब एक काम करो बेटा, शुरू करें तो कैसे भी शुरू करो, व्हाट एवर यू फील लाइक, गो क्लॉक वाइज, गो एंटी क्लॉक वाइज, स्टार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट एवर यू फील, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे, जंप द डिवाइस एंड राइट द इक्वेशन, तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, ये आई वन माइनस आई जी, माइनस में क्या आ जाएगा आई वन माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, क्यू के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ ध्यान देना, प्लस ऑफ आई माइनस आई वन प्लस का आई जी इंटू क्या है बेटा, एस, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का आई जी जी, प्लस का क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर करंट, उसका रेजिस्टेंस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर भी वही अजम्पशन को इम्पोज कर दीजिएगा कि अब अगर जरा सोच के देखो कि अगर आई जी की वैल्यू जीरो हो जाए, सोच के देखो कि अगर IG की वैल्यू जीरो हो जाए तब उस सर्किट पे क्या फर्क पड़ेगा, इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जरा गौर करेंगे यहाँ पे। तो देखो बेटा, IG जीरो हो चुका है तो क्या बचेगा, माइनस आई वन क्यू, क्या बचेगा बेटा, माइनस आई वन क्यू। यहाँ पे अपने पास IG जीरो, छोड़ दो उसको, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा अपने पास, ये जाएगा माइनस में I माइनस आई वन, IG हो चुका है जीरो, ये आ जाएगा अपने पास में S, ठीक है। ये बन गई अपने पास में इक्वेशन नंबर टू, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बस अब एक काम करते हुए चलना है बेटा, बस निपट चुका है चलना है, दोनों का रेशियो ले लो बेटा, दोनों का रेशियो ले लो, अब बस उसके बाद तो कहानी ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देना, डिवाइड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। तो बेटा ये रही फर्स्ट इक्वेशन और ये रही सेकेंड इक्वेशन, दिख रही होगी, माइनस आई वन कट जाएगा तो बचेगा पी अपॉन क्यू, और यहां पे माइनस आई माइनस आई वन कट जाएगा तो बचेगा आर अपॉन एस, क्या बचेगा बेटा, आर अपॉन एस। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पी अपॉन आर कर लेना इसको, और राइट में क्यू अपॉन एस कर लेना इसको। तो इसी को तो कहा जाता है बैलेंस कंडीशन, चमका कोच, इसी को तो कहा जाता है बैलेंस कंडीशन। अब जरा ना इसका पूरा खेल समझो, अगर हम आईजी की वैल्यू को जीरो नहीं मानते तो ये रेशियो बराबर नहीं आता, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट आर्म का रेशियो और राइट आर्म का रेशियो, ध्यान देते हुए चलो बेटा। ये जो लिखा है ना पी अपॉन आर, इसका मतलब लेफ्ट आर्म का रेशियो, और जो लिखा है क्यू अपॉन एस, इसका मतलब होता है राइट आर्म का रेशियो। एल ए आर लेफ्ट आर्म रेशियो, आर ए आर राइट आर्म रेशियो, और ये दोनों हो चुके हैं बराबर, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अब मेरी बात सुनते हो चलना, अगर हम आईजी की वैल्यू को जीरो नहीं मानते तो लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर नहीं आता, ठीक है। अगर हम आईजी की वैल्यू को जीरो नहीं मानते तो लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर नहीं आता। अब इसी चीज को एक बार जरा उल्टे में देख लेना कि अगर लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर कर दिया आपने, अगर आपने इंटेंशनली लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर कर दिया तो ऑब्वियसली आईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आईजी की वैल्यू जीरो हो गई मतलब सेंट्रल ब्रांच जो है वो कट ऑफ हो गया, और अगर सेंट्रल ब्रांच पूरा कट ऑफ हो जाएगा, अगर सेंट्रल ब्रांच पूरा कट ऑफ हो जाएगा तो ये सर्किट बन जाएगा सॉल्वेबल। यहां पे पी और क्यू सीरीज में आ जाएंगे, आर और एस सीरीज में आ जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, डन 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 डन। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलें ठीक है फिर, बहुत शानदार, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई थी इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसका स्टेटमेंट था, अब उसके बाद जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, मीटर ब्रिज भैया, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है मीटर ब्रिज। क्लास ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल में बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक है ये कि यार स्लाइडिंग वाला एक्सपेरिमेंट वाला अपन को मिल गया एक्सपेरिमेंट, तो भैया लोग खुश हो जाते हैं बिकॉज सिंपल एक्सपेरिमेंट में से इसकी गिनती होती है, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, तो ऑप्टिक्स में आपको एक मिलने वाला है एक्सपेरिमेंट करने के लिए और एक मिलने वाला है आपको ये करंट से जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ऑप्टिक्स में काफी चीजें ऐसी होती है, कभी-कभी क्या होता है कि पिन पॉइंट ऐसे मैच नहीं कर पाता तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, लेकिन क्या अगर करंट वाला मिला है आपको, ठीक है, तो करंट वाले में अगर आपको मीटर ब्रिज मिल गया जिसको अपन प्यार से स्लाइडिंग वाला एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, तो फिर आप वहां पर नाचना शुरू कर दोगे बिकॉज बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है भाई ये, ठीक है। ये जिसके हाथ लग गया मतलब ये मान लो कि भैया आपको एग्जाम अच्छा जाना है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, ये कैसा दिखता है, ये किस पर बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल के ऊपर। इसका काम क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज या स्लाइडिंग वायर एक्सपेरिमेंट सेटअप इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एट बैलेंस कंडीशन, ठीक है। ये मीटर ब्रिज का कार्यक्रम होता है। अब ये स्लाइडिंग वायर एक्सपेरिमेंट ये जो पूरा है ये कैसे काम करेगा, कैसे आप किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे, उसको पूरा समझाने के लिए अपने पास एक सेटअप यहां पर बना करके रखा हुआ है, ठीक है। इस सेटअप में क्या होता है ना, कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, कॉपर की पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, और पतली पतली स्ट्रिप्स को ऐसे लगाया जाता है जिसको लगाने के बाद यहां पे लगता है रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला हुआ एक रेजिस्टर, यहां पे लगता है अपने पास अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर यहां पर पूरा ना एक मीटर लंबा वायर होता है, और यहां पे आप एक जॉकी नाम की चीज होती है उसको आप बस वायर के ऊपर टच करते रहते हैं और फिर आपको वहां पे मिलना शुरू हो जाता है। यहां पे क्या होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, तो आप उस पॉइंट का इंतजार करते हैं कि भाई किस पॉइंट पे मैं टच करूं सो दैट गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए, उसे कहा जाता है नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक बार जो चीजें यहां पर लिखी है ना, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद में आपको बाकायदा हर एक चीज को प्रॉपरली दिखाने वाला हूं, एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लेना। चलें ठीक है फिर, बहुत शानदार, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया था आप लोगों को, देख लिया आप लोगों ने। अब इसको पूरा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं मैं भाई। देख क्या होता है, यहाँ पे क्या है, अपने पास बना एक मीटर ब्रिज सेटअप, अब इसको यूज करके हम एक अननोन रेजिस्टेंस की ना वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं बेटा, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको ये पूरा ना एक बार बना करके दिखा दूं ताकि आपको तरीके से पल्ले पड़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है भाई। ध्यान दे कैसे बनेगा ये, एक ना अपने पास एक ऐसा तू मान ले एक सेटअप इतना बड़ा मान ले, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपन ने सेटअप मान लिया इतना बड़ा, ठीक है। अब देख यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ना आप कॉपर की स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं बेटा अपन, यहाँ पे इसमें अपन यूज़ करते हैं कॉपर की स्ट्रिप्स को। तो एक मान ले कॉपर की स्ट्रिप तेरे पास यहाँ बनी हुई है, कॉपर की स्ट्रिप यूज़ करेंगे अपन अब, ठीक है। एक कॉपर की स्ट्रिप अपन ने यहाँ पे बना दी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ऐसी ही कॉपर की स्ट्रिप जो है ना बेटा वो यहाँ पे बनती है, ज़रा गौर फरमाएंगे अच्छे से, एक कॉपर की स्ट्रिप जो है बेटा वो यहाँ पे बनती है। कुछ नहीं यार, दो पट्टियाँ काट लेना, दो पत्तियाँ काट लेना कॉपर की, ठीक है, इतना कर ले। और उसके बाद एक ऐसे ही कॉपर की स्ट्रिप जो ना बेटा बीच में बनती है, ये बेटा मैं पूरी चीज़ जो है ना जो असलियत में कैसे दिखती है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, ज़रा गौर करेंगे। ये मैंने क्या करा, एक लकड़ी का पट्टा लिया, ठीक है, एक वुडन बोर्ड लिया, लकड़ी का पट्टा लिया, उस लकड़ी के पट्टे पे मैंने कॉपर की स्ट्रिप्स लगा करके रख दी आप लोग के सामने, ठीक है। असलियत में देखना है क्या, चलो भैया दिखाना आपको स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात तो क्या है कि आप जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ना पावर अप करते
करते हो, जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को पावर अप करते हो तो आप उसको बैटरी एलिमिनेटर से पावर सप्लाई करते हो, वोल्टेज डिफरेंस सप्लाई करते हो, ठीक है। तो इसे कहा जाता है बैटरी एलिमिनेटर, इसे कहा जाता है बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे आप इसके नॉब को घुमा करके ना इसका वोल्टेज को बढ़ा सकते हो। यूजुअली क्या होता है ना फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट लैब में, जब आप मीटर ब्रिज पे काम करेंगे ना, तो अगर आपने 6 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे दिया ना, तो वायर जल्दी हीट करना शुरू कर देता है, इवन यू कैन स्मेल दैट, ठीक है। तो इसलिए आप उसको 6 वोल्ट के नीचे ही करेंगे तो अच्छा रहता है। और बाकी यहां से आप आउटपुट जो है ना, देखो यहां से आप निकाल सकते हैं आउटपुट, तो डीसी का आउटपुट निकलता है इसका ऑब्वियसली, ठीक है। बैटरी एलिमिनेटर डीसी का सोर्स होता है। तो अब इसको जब अपन पावर अप करेंगे ना, जब मैं इसमें से करंट पास करवाने का ट्राई करूंगा, तो ऑब्वियसली मैं एक बैटरी एलिमिनेटर को यूज करता हूं। किसको यूज करता हूं बेटा? एक बैटरी एलिमिनेटर को यूज करूंगा। तो जरा मैं आपको यहां पर दिखा दूं एक बार, देखो ये हमने कहा कि हमने एक ये सेल लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है ना, या एक बैटरी लगा के रखी है, तो ये बेसिकली क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकाला गया है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। यहां से अपन एक वायर निकाल लिया और मीटर ब्रिज के एक एंड पे, एक वायर निकाल लिया मीटर ब्रिज के दूसरे एंड पे लगा देंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वहीं से ये अपने पास बैटरी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये दरअसल लिया गया है फ्रॉम द बैटरी एलिमिनेटर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाला गया है फ्रॉम द बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। अब जरा गौर करना, ये अपने पास था बैटरी एलिमिनेटर, ये आपको मैंने दिखा दिया। अब ये है बेटा वो मीटर ब्रिज, ठीक है। मैंने बताया था ना अभी आपको कि एक मीटर ब्रिज होगा, एक लकड़ी का पट्टा होगा, ये जो मैंने येलो कलर का बना के रखा है ना, वो लकड़ी का पट्टा है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये इतना बड़ा, ये पूरा क्या है, लकड़ी का पट्टा। और इस पे तुमको ये जो मैंने पत्तियां बनाई थी कॉपर की स्ट्रिप्स, ये पहली कॉपर स्ट्रिप तुमको नजर आ रही है बेटा, ऐसे करके ये लो, यहां पर यह बना हुआ है टिक, ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सर ये बीच वाली आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, तो बेटा ये यहाँ पे देख लो, ये अपने पास ये बीच वाली स्ट्रिप है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये कोने वाली दिख रही है कॉपर की पट्टी, तो ये रही अपने पास ये कोने वाली कॉपर की पट्टी, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। चले अब देखो उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे मीटर ब्रिज को हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं, इसको हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। नाम क्यों पड़ गया इसका मीटर ब्रिज, क्योंकि यहां पे आप जो ये वायर लगाते हैं ना बेटा, ये जो यहां पे एक वायर लगी होती है, ठीक है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ये पहले वाले कॉपर स्ट्रिप के कोने से और आखिरी वाले कॉपर स्ट्रिप के कोने तक बीच में जोड़ने वाली एक वायर होती है, जिसकी लेंथ होती है पूरी 1 मीटर के बराबर, ठीक है। जिसकी खास बात क्या है, इसकी लेंथ जो होती है ना बेटा, इसकी लेंथ होती है पूरी 1 मीटर के बराबर। तो ये मैं चल ग्रीन कलर का ले लेता हूं, यही तो खास बात है इसकी, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है पूरी 1 मीटर के बराबर। और कहां से कहां तक कितना सेंटीमीटर है उसको मेजर करने के लिए ठीक इसके नीचे एक वुडन स्केल लगा होता है 1 मीटर लंबा, ये दिख रहा है, ये वुडन स्केल ही तो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे की तरफ, ये दरअसल एक वुडन स्केल ही है। क्या मैं इसको आउटलाइन कर दूं तुम्हारे लिए? अब तुम्हें नजर तो आ ही रहा होगा, ये जो है ना बेटा, दिस इज बेसिकली द वुडन स्केल, जिस वुडन स्केल पे क्या है मार्किंग्स है, 0 सेंटीमीटर फिर मतलब 0, फिर 1, 2, 3, 4 करके ऐसे पूरा 100 सेंटीमीटर तक इसके ऊपर मार्किंग है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया आपको। अब क्या होता है ना कि अब आपको निकालना है कि एक अननोन रेजिस्टेंस आपके पास, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मान लें अपन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिस लैब में हो ना तुम, वहीं पर तुमको जो लैब इंचार्ज होंगे वो एक वायर दे देंगे, बोलेंगे जाओ बेटा इसका रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड करके आओ, ठीक है। तो वो जो आपके हाथ में वायर दिया जाएगा ना, उसको आप यहां पे लगा देना, ठीक है। वो है तुम्हारे पास में क्या, अननोन रेजिस्टेंस, वो है तुम्हारे पास में क्या, अननोन रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या है, कनेक्शंस के लिए होते हैं, यहां पे कम से कम 3 पोर्ट होते हैं, यहां पे कम से कम 3 पोर्ट होते हैं सेंट्रल वाले पे, देख रहे हैं, ये सेंट्रल वाली स्ट्रिप है, इसमें कम से कम 3 पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या करना कि इसके जो एंडिंग, मतलब इसका एंडिंग ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट, यहां से खींचो बेटा, मिडल वाले का ये वाला और आखिरी वाले का ये वाला, इसके बीच में एक अपन रेजिस्टेंस लगा देंगे, जो कि तुमको मैं यहां दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे अपन ने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, इसको कहा जाता है अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको अपन कहेंगे अननोन रेजिस्टेंस, एस बोल दिया मैंने इसको, एस इज द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद देख क्या होता है बेटा, यहां पे ना ये वाला सेटअप है ना, यहां पे आप लगाते हैं एक नोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स नाम की चीज होती है बेटा,
एक रेजिस्टेंस बॉक्स नाम की चीज होती है, जिस रेजिस्टेंस बॉक्स से आप अपने पसंद का कोई सा भी रेजिस्टेंस जो है वो उठा सकते हो, ठीक है। इसको मैं पहले क्लियर कर दूं, तो बेटा ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ये अपने पास बैटरी एलिमिनेटर है, ये पावर सप्लाई करेगा, ये अपने पास बैटरी एलिमिनेटर है, ये पावर सप्लाई करेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अपने पास मीटर ब्रिज है, ठीक है। इस मीटर ब्रिज में आपके पास लेफ्ट साइड कॉपर स्ट्रिप, मिडिल कॉपर स्ट्रिप, राइट वाली कॉपर स्ट्रिप है। आगे बढ़ जाओ। अब मैंने कहा था कि तुम्हारे पास होगा एक रेजिस्टेंस बॉक्स, दो तरह के आते हैं, एक आता है LRB, एक आता है HRB। LRB का मतलब क्या होता है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, एक होता है HRB, इसका मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, जहां पे हाई वैल्यूज की रेजिस्टेंस होती है। अगर आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं, आप जरा गौर करिए, देखिए अगर आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहां पे आपको एक नॉब ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहां से एक वायर, देखो एक कॉपर, एक कनेक्टिंग वायर होता है, तो कनेक्टिंग वायर को अपन गोल घुमा करके यहां फंसा देते हैं, उसके बाद यहां से एक वायर खींच लेना, और ये दिख रहा है, ये यहां पे वायर को घुमा करके कनेक्टिंग वायर को यहां से एक वायर खींच लेना, ठीक है। अब अगर आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो जो दो वायर आपने यहां से खींचे है ना, उनको उठा करके बेटा यहां पर लगा देना, तो ये अपने पास एक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस निकाला जाता है फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। अब कितने ओम का रेजिस्टेंस निकाला गया, तो बेटा आप जरा गौर करो, जैसे मान लो ये एक वैल्यू लिखी है यहां पे 1000, क्या आप लोगों को दिख रही है, बेटा दिख रही होगी मेरे ख्याल से, यहां पे एक वैल्यू लिखी हुई है 10000, ठीक है। अब अगर आपको इस सर्किट के अंदर, किस सर्किट के अंदर, इस वाले सर्किट के अंदर अगर आपको 10000 ओम का रेजिस्टेंस इंक्लूड करवाना है, तो बस एक काम करना पड़ेगा आपको, 10000 के मार्किंग के ऊपर जो ये नॉब लगा हुआ है ना, ठीक है, इस नॉब को यहां से निकाल लेना, ठीक है, ये यहां से डिटैच हो जाता है। तो जब आप इस नॉब को यहां से बाहर निकाल लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सर्किट में 10000 ओम का रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेस है ना बेटा, वो सीरीज में लगे हैं। कितने में लगे, कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। मतलब अगर आप चाहते हो कि यार मैं एक काम करूं, क्या मैं 3000 या 30000 या जितना भी तुम चाहो उतने का रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो क्या करोगे, यहां निकाला 10000 का, सामने लगा है 5000 का, निकाल लो 15000, सामने 2 का निकाला है, लगा हुआ है, निकाल लो उसको भी, ये हो जाएगा अपने पास कितने, 17000। तो अगर तुमने पहले के 3 को ऐसे बाहर निकाल लिया ना, तो 10, 5, 15, 15, 2, 17, 17000 ओम्स का रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू सर्किट में इंक्लूड करवा दिया गया है। क्या तुम्हें रेजिस्टेंस बॉक्स का फंडा पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, यहां तक का मुझे कंफर्मेशन दो बेटा, क्या तुम्हें रेजिस्टेंस बॉक्स का फंडा पूरा अच्छे से समझ में आ गया है? जी सर, समझ में आ चुका है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि इस HRB, HRB का मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका कितना रेंज है, तो यहां पे जो आपको रेजिस्टेंसेस इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं वो 1 ओम से 10000 ओम तक वेरी कर रहे हैं। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। समझ गए इस पूरी बात को? जी सर, समझ गए इस पूरी बात को, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है ना बेटा, उसके बाद एक जॉकी नाम का डिवाइस होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे आप सेंटर से क्या है वायर खींच लेते हो, ये 1 मीटर लंबी वायर जा रही है, ठीक है, इसको क्रॉस करो, और यहां पे होता है एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट की डायरेक्शन को सेंस कर लेता है, ठीक है। करंट अगर होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएंगे, करंट अगर नहीं होगा तो इसमें डिफ्लेक्शंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये अपने पास एक पॉइंटर होगा इसके अंदर, और फिर इसको अपन जा करके ना अटैच कर देते हैं इस 1 मीटर की वायर पे यूजिंग अ जॉकी, ठीक है, यूजिंग अ जॉकी। अब ये जॉकी वगैरह क्या होता है, मैं सब कुछ आपको दिखाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। जॉकी एक ऐसा पेन जैसा होता है, होता है, ठीक है, जॉकी क्या है, एक पेन जैसा पॉइंटर होता है, उसको आप ना इस वायर पे किसी भी पॉइंट पे टच करवा दोगे ना, तो अगर अब उस पॉइंट पे करंट तो पास कर रहा होगा, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं आता है, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना इसको स्कूल में, तो अगर आप इस मीटर ब्रिज के राइट हैंड साइड में गैल्वेनोमीटर को टच करवाओगे, तो फिर इसका जॉकी को टच करवाओगे, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक तरफ होगा, और अगर आप इस जॉकी को इस पूरे मीटर ब्रिज के लेफ्ट में टच करवाओगे, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक तरफ होगा। इसका मतलब डिफ्लेक्शंस का डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक पॉइंट इनके बीच में ऐसा आता है जहां पर डिफ्लेक्शन जो है ना वो जीरो हो जाता है, ठीक है, तभी तो वो बैलेंस कंडीशन में होता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, ये सेंट्रल ब्रांच में गैल्वेनोमीटर, ये लेफ्ट आर्म का रेजिस्टेंस, एक आ गया फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, और दूसरा अगर आप अच्छे से गौर करें इस बात पे, तो भैया यहां से लेकर के यहां तक का जो वायर है इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के ये हो जाएगा लेफ्ट आर्म का रेजिस्टेंस, HRB
भी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला हुआ रेजिस्टेंस और इस वायर का रेजिस्टेंस, ये अपने पास एल आर भी हो जाएगा। और अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो शंट आ चुका है और यहां से लेकर के यहां तक आ जाएगा तुम्हारे पास में अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इस वायर के पास भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो अननोन रेजिस्टेंस और नीचे वाला इस वाले वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब जरा गौर करेंगे यहाँ पे, अब जरा देखें अगले अपने पास क्या दिख रहा है। अगले अपने पास है यहाँ पे कनेक्टिंग वायर, अननोन वायर। मैंने कहा था ना कि आप जब जाएंगे तो सर आपको बताएंगे कि बेटा ये वाला वायर लो, इसमें इसका कितना रेजिस्टेंस है वो निकाल करके लाओ। तो आपको ऐसा ही कोई वायर दे दिया जाएगा, इसका आपका रेजिस्टेंस निकालना होगा। अच्छा, कभी कभी स्कूल में क्या होता है ना कि ऐसे वायर दिखाई देंगे लेकिन वो क्या उसके ऊपर व्हाइट कलर का पूरा धागा बंधा हुआ होता है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बहुत शार्प होते हैं। कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पक्का पूरा क्लियर है। तो उसके बाद मैंने कहा था गैल्वेनोमीटर होता है, तो यहां पे आपको मैंने दिखाया था कि दिस इज द गैल्वेनोमीटर, जो कि आप क्या मीटर ब्रिज में एक सेंट्रल नॉब होगा, ठीक है, मीटर ब्रिज में एक सेंटर पे नॉब होगा, तो वहां से आप खींचोगे और गैल्वेनोमीटर में ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। यहां पे सेंटर पे नॉब कहां गया, हाँ जी ये रहा, यहां से आपने खींचा वायर और इधर लगा होगा गैल्वेनोमीटर, और फिर इसको जाकर के आपको वो ज्वाइन करना पड़ता है, फिर है ना जॉकी के साथ। ये गैल्वेनोमीटर जो है ना वो घुसा होता है जॉकी में। इतना पूरा फंडा क्लियर, जल्दी बताओ बेटा, इतना पूरा फंडा क्लियर। तो ये रहेगा तुम्हारे पास में क्या गैल्वेनोमीटर, ये रहेंगे इसके इनपुट के पोर्ट्स, ठीक है। ये अपने पास यहां से ये रेड वाला है, और अगर ये नहीं दिख रहा होगा, ये बहुत ही शानदार इमेज है, ये ब्लैक वाला एक नॉब है बेटा, रेड इमेज, रेड नॉब और ये ब्लैक नॉब, यहां से आप निकाल लो बेटा और उसके बाद कनेक्शन दे दिया करो, ठीक है। ये रहा अपने पास गैल्वेनोमीटर। यूजुअली क्या है, प्लस में देते हैं कनेक्शन और माइनस से निकालते हैं कनेक्शन, तो यहां पर प्लस में लगा दो और एक माइनस में लगा दो, ठीक है। तो प्लस में जो वायर आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा क्या बोलते हैं मीटर ब्रिज से, ठीक है, वो बीच वाली प्लेट से आ रहा होगा, और माइनस वाला जॉकी में घुस जाएगा। तो माइनस वाला ये अपने पास, ये प्लस था और ये माइनस है, तो प्लस वाला मीटर ब्रिज के प्लेट से आ रहा है और ये माइनस वाला जॉकी में घुस जाएगा। तो बस जरा जॉकी कैसा होता है, पेन जैसे ही होता है, ये रहा अपने पास जॉकी, ठीक है। ये जॉकी को आप पकड़ोगे, यहां से आप उसको इनपुट दोगे, ये जो दिख रहा है ऊपर, इसको ऊपर करके अपन वहां पर धागा लपेट देंगे, मतलब वायर लपेट देंगे और फिर इसको अपन टाइट कस देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये बेटा पॉइंटर है, इसको स्लाइडर भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्लाइड करते हैं हम वायर के ऊपर, ट्राई करना कि वायर को आप घिस ना दो, तो टच पॉइंट पे करो, लेकिन ऐसे पूरा स्लाइड ही मत कर दिया करो, वायर फिर घिस जाते हैं। तो ये अपने पास होता है, इसको अपन इस वायर पे जो स्लाइड करवाते हैं, लेकिन वैसे सिर्फ टच पॉइंट पे टच करना चाहिए। इतना पूरा फंडा क्लियर हो गया बेटा। तो अब यहां पे ये तुम्हारे पास क्या है ना, ये मीटर ब्रिज है, जो कि बेसिकली बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर। अब देख, जिस पॉइंट पे आकर के गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन जो है ना, वो अगर मान ले नल डिफ्लेक्शन शो किया, जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब अब ये ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में हो चुकी है, ठीक है। ये मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में हो चुकी है, तो मैं लिख देता हूं कि जे इज द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑन द वायर, ठीक है। J is the null deflection point on the wire, मतलब इस पॉइंट पर कोई भी डिफ्लेक्शन वायर के अंदर नहीं हो रहा है। J is the null deflection point on the wire, it's as simple as that. अब जरा एक काम अपन और कर लेते हैं बेटा, इस वायर के पास क्या होगा, इंटरनल रेज, इस वायर के पास रेजिस्टेंस भी होगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कि R is the resistance per unit length, क्या बोला मैंने, R is the resistance per unit length, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, छोटा वाला R is the resistance per unit length, छोटा वाला R is the resistance per unit length, it's as simple as that. अब जरा यहां पे कितनी कितनी लेंथ है, जरा उस पर फोकस कर लिया जाए बेटा, ध्यान देंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है बेटा, वो L के बराबर है, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल L के बराबर है। और जो बाकी बची हुई लेंथ है बेटा, वो कितनी हो जाएगी, सर वो जाएगी 100 माइनस L के बराबर, बिकॉज मीटर ब्रिज नाम ही क्यों पड़ा, पहली बात तो एक मीटर का वायर लेते हैं, दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है ये पूरा फंडा, ठीक है। क्या आपको ये वाली चीज पूरी सुप्रीमली क्लियर हो चुकी है, यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, पक्का चले आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। तो आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और एल यहां से यहां तक की लेंथ थी, बाकी बची हुई 100 माइनस एल हो चुकी है, ठीक है। अब ध्यान देना, सिंस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आ ही चुका है, इसका मतलब क्या है, मीटर ब्रिज हो चुका है बैलेंस, ठीक है। तो इसका अच्छा, अगर मीटर ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कि सिंस नल डिफ्लेक्शन इज अचीव्ड, इसका मतलब यह है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। सिंस नल डिफ्लेक्शन इज अचीव्ड, देयरफॉर इट मींस, देयरफॉर इसका मतलब यह है, देयरफॉर इट मींस दैट
द सर्किट इज इन बैलेंस कंडीशन, दैट द सर्किट इज बैलेंस्ड. इसका मतलब यह है कि सर्किट जो है वो बेटा पूरा बैलेंस कंडीशन में है. इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपको यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है पक्का. तो नल डिफ्लेक्शन में था, इसका मतलब सर्किट जो है वो पूरा का पूरा बैलेंस्ड है. अगर सर्किट पूरा का पूरा बैलेंस्ड है मतलब लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर होगा. देयरफॉर जरा ध्यान देना, लेफ्ट आर्म का रेशियो क्या है, आर अपॉन भाई यहां से लेकर के यहां तक के वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा. तो जरा गौर करें, आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहां से यहां तक का लेंथ कितना है एल, आ गया समझ, इज इक्वल टू क्या हो जाता है राइट आर्म का रेजिस्टेंस का रेशियो. तो ऊपर क्या है बेटा एस, एस का मतलब क्या होता है वही वाला अननोन वायर, ठीक है. एस तो हमारे पास क्या है वायर ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है. तो मैं यहां पर कहीं लिख दूं एस इज द अननोन रेजिस्टेंस, एस इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है और इसी का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. एस इज द अननोन रेजिस्टेंस, इसी का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं. अब लेफ्ट आर्म का रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट आर्म का रेशियो, तो एस अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस एल इनटू क्या हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस, मतलब सॉरी ये था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. इतना पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा बेटा. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर यहीं से आप निकाल सकते हो अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू. इट्स एज सिंपल एज दैट, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो. चलें ठीक है, बहुत शानदार. तो यहां पे क्या हो चुका बेटा, आर आ चुका था अपने पास, ये था अपने पास नोन रेजिस्टेंस, ये था अपने पास में अननोन रेजिस्टेंस, आर वाज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर, एल तो अपने पास वो डिफ्लेक्शन पॉइंट की लेंथ वगैरह आ चुकी है, ठीक है. अब एक काम करो बेटा, ये वाला आर ये वाला आर तो कट गया. कई लोग सोच भी रहते कि सर हमें कैसे पता होगा कि इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है या इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेंथ कितना है. तो नहीं पता होता बेटा, नहीं पता होता. इसलिए क्या है बेटा, इसका कैलकुलेशन इतना प्यारा है, वो आर से आर कट ही गया. तो अपने पास अब अपना जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो था अननोन रेजिस्टेंस को निकालना. तो बेटा अननोन रेजिस्टेंस एस यहां से कैसे निकल जाएगा, आर मल्टीप्लाई कर देना 100 माइनस एल से अपॉन नीचे आ जाएगा डिवीजन में एल. इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आर कैसे पता होगा आपको फ्रॉम द एचआरबी, इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस बॉक्स. एल क्या है तुम्हारे पास, इस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम, और बाकी बचा हुआ 100 माइनस एल तुम्हारे पास क्या है, इस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की दूरी फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम. इट्स एज सिंपल एज दैट. ये रहा तुम्हारे पास पूरा का पूरा इवैल्यूएशन. मैं चाहूंगा इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी बेटा. शानदार बना है, लग रहा है शानदार, जबरदस्त लग रहा है. जी सर, गजब. और हर चीज मैंने आपको दिखा दी जो कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के दौरान देखने को मिलेगी, ठीक है. हर चीज मैंने आपको दिखा दी है. ये था अपने पास बैटरी एलिमिनेटर, यहां से आप आउटपुट के तौर पे करंट निकालोगे और सर्किट में प्रोड्यूस कर दोगे, सर्किट में इन्वॉल्व करवा दोगे, ठीक है. जैसे अब यह क्या है 6 वोल्ट के बियॉन्ड उतना यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एक्सेसिव हीटिंग आपको मिल सकती है. यहां पर लिखा हुआ है वोल्टेज सिलेक्टर या वोल्टेज रेगुलेटर भी इसको बोल सकते हो. यह तुम्हारे पास रहेगा पूरा प्रॉपर मीटर ब्रिज, लेफ्ट कॉपर की स्ट्रिप, सेंट्रल कॉपर की स्ट्रिप, राइट वाले कॉपर की स्ट्रिप. आप जानते हैं सेटअप अपन ने कैसा बना करके रखा हुआ है, सब करवा रहा हूं बेटा. इन दोनों के बीच में आप लगा देते हो एक नोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है. उसके बाद यहां पे लग जाता है एक अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है. यहां पे लग जाता है एक अननोन रेजिस्टेंस शंट, ठीक है. उसके बाद क्या है यहां से, अच्छा यहां पे आप क्या है कि बैटरी एलिमिनेटर से जो है करंट वगैरह प्रोड्यूस करवा सकते हो सर्किट के अंदर. उसके बाद क्या है सेंट्रल से आप निकालते हो एक गैल्वेनोमीटर, और बेटा यहां पे ना ये जॉकी यहां पे वैसे अटैच कर दी मैंने, ठीक है. जॉकी यहां पे अटैच्ड है ताकि वो घूम ना जाए, और फिर यहां से अपन एक वायर को स्लाइड करवाते हैं, और फिर अपने पास में आता है एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, मान लो यहां पे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऐसा कुछ होता है कार्यक्रम, ठीक है. डन. उसके बाद फिर अपन ने क्या दिखा दिया आपको, ये अपने पास था एचआरबी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स. आप यहां से जितने का रेजिस्टेंस आपको सर्किट में इन्वॉल्व करवाना है उतने का नॉब वहां से हटा लो, वो रेजिस्टेंस चालू हो जाएगा, ठीक है. एचआरबी ये अपने पास कनेक्ट वायर्स थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसके बाद ये अपने पास में गैल्वेनोमीटर है जो कि डिफ्लेक्शन वगैरह, देखो ना ये अपने पास पॉइंटर है, डिफ्लेक्शन करता है बेटा, डिफ्लेक्शन जब करंट पास करेगा इसके थ्रू तो. और ये था अपने पास में जॉकी, इट्स एज सिंपल एज दैट. और ये रहेगा आपके पास में पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहां पे बना करके रखा है, आपको बहुत ही क्लियर विजन दे दिया है मीटर ब्रिज के बारे में. और ये अपने पास थोड़े बहुत कनेक्शंस दिखा दिए गए हैं ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए एक्सपेरिमेंटली भी.
चले फिर बहुत शानदार, ये वाला फंडा आपके दिमाग में मेरे ख्याल में पूरा सुप्रीमली अब क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आपको एक बहुत ही शानदार सी चीज मैं दिखाता हूँ बेटा, ठीक है? देखना, अब अपन पूरा पढ़ चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे हवाले, जरा इसको सॉल्व करना, एक बार इवेलुएट करना है आपको रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ठीक है? आपका सवाल क्या है, आपका सवाल क्या है, सवाल यह है कि आपको इवेलुएट करना है रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ठीक है? नाउ जस्ट गो विद द सर्किट, ठीक है? ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से इसके ऊपर, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या हो रहा है बेटा, यहां पे इसके ऊपर एक ले लिया अपन ने, एक रजिस्टर यहां पे ले लिया, इसको अपन ने एंड कर दिया, और एक रजिस्टर अपन ने यहां पे ले लिया, इसको अपन ने एंड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको अपन ने ए नाम दिया है, इसको हमने बी नाम दिया है, और हर रेजिस्टेंस जो है ना वो 20 ओम्स का है, ठीक है? हर डिवाइस जो है वो 20-20 ओम का डिवाइस है, हर रजिस्टर जो है वो 20-20 ओम्स का रजिस्टर है। अब तुम मुझे बताओ कि इसका आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इसको सेल्फ ट्राई कर सकें इत्मीनान से। आया समझ? 3-2-1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो ट्राई कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा, अब जरा चेक करा जाए कि कैसे करा ट्राई आपने, ठीक है? तरीका समझ, गलती मत करना इसमें बिल्कुल भी, ठीक है? ये देख क्या होता है, इसका नाम करते हैं अपन, इसका नाम था ए, इसका नाम भी क्या हो जाएगा ए, इसका नाम था बी, इसका नाम भी क्या हो जाएगा बी, ठीक है? इसका नाम रख दे चल मेरे नाम पे, इसका नाम रख दे चल जेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, पांच रजिस्टर्स, ठीक है? वियर्ड कॉम्बिनेशन है। क्यों है ये वियर्ड कॉम्बिनेशन? बिकॉज मैं किसी भी दो डिवाइसेस को ना ही सीरीज में बोल सकता हूं, ना ही पैरेलल में, बिकॉज कोई से भी दो डिवाइस तुम चेक कर लो, ना ही वो तरीके में सीरीज में आ रहे हैं और ना ही वो तरीके से पैरेलल में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहां पे पांच डिवाइसेस हैं, तो कुछ ना कुछ तो खेल इसमें प्यारा सा हो रहा होगा, ठीक है? अब देखिए यहां पे क्या खेल हो रहा होता है, जरा चेक करते हो चलना। एक पॉइंट अपन लेंगे ए वाला, ठीक है? और ए और पी के बीच में एक डिवाइस लगा हुआ है, क्या बोला मैंने, ए और पी के बीच में एक डिवाइस लगा हुआ है, कितने का है डिवाइस, 20 ओम का है। इसकी बात अपन ने कर ली। उसके बाद देख क्या हो रहा है, ए और जेड के बीच में एक डिवाइस लगा हुआ है, तो अपन को एक पॉइंट लेना पड़ेगा जेड, तो ए और जेड के बीच में एक डिवाइस लगा हुआ है, ये भी कितने का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 ओम का। इसकी बात कर ली। पी और जेड के बीच में एक डिवाइस लेना पड़ेगा, तो ये ले लिया अपन ने पी और जेड के बीच में एक डिवाइस, ये भी कितने का हो जाएगा, 20 ओम्स का हो जाएगा। इसकी बात हो गई। उसके बाद जेड और बी के बीच में एक डिवाइस लग रहा है, तो जेड और यहां पर अपन एक पॉइंट लेते हैं बेटा बी, यहां से खींच लो इसको, एक ही बात है ना, इसको बोलूं बी या इसको बोलूं बी, एक ही बात है। जैसे इसका नाम ए था, इसका नाम ए था, सिंपल एज दैट, ठीक है? तो बी कहां थे रे, बी और जेड के बीच में लग गया एक 20 ओम का डिवाइस, तो बी और जेड के बीच में लगा देंगे यहां पर अपन एक 20 ओम का डिवाइस। उसके बाद पी और बी के बीच में, इसकी बात कर ली क्या, जी सर इसकी बात कर ली। उसके बाद पी और बी के बीच में लगा देंगे एक और 20 ओम का डिवाइस, तो पी और बी के बीच में लगा देंगे एक और 20 ओम का डिवाइस। भाई अब बताओ तुम्हें कोई इसमें दिक्कत वाली बात आई क्या? इसको मैंने कितना आराम से कन्वर्ट कर दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है? अब जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस कंडीशन में है, तो जी सर ये पूरा बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है? तो यहां पे अगर आप LAR निकालें, लेफ्ट आर्म का रेशियो निकालें, तो लेफ्ट आर्म का रेशियो इज जस्ट 20/20, ठीक है? मतलब 1 आ गया। और वही अगर आप राइट आर्म का रेशियो निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा, 20/20 मतलब 1। अगर लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर हो गया तो हो चुका है बैलेंस कंडीशन, और अगर बैलेंस कंडीशन हो चुका है तो सर्किट जो है ना, अब देखो भैया वो सर्किट अपने कैसे रूप दिखाने वाला है, जरा गौर करना। एक रेजिस्टर यहां लगा दिया, एक रेजिस्टर यहां लगा दिया, और बीच वाला पार्ट तो कट ही चुका है यहां पे। उसके बाद एक रेजिस्टर यहां पे लगा दिया है, और उसके बाद एक रेजिस्टर यहां पे लगा दिए, और इसको अपन निपटा दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 20 ओम का डिवाइस है, ये भी कितना हो जाएगा 20 ओम का डिवाइस, ये कितना हो जाएगा बेटा 20 ओम का डिवाइस, और ये भी कितना हो जाएगा 20 ओम का डिवाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब देखो सेंट्रल ब्रांच पूरा कट चुका है, ये 20-20 कितने हो जाएंगे ऊपर, सीरीज में कितना होगा 40, और नीचे भी कितना हो जाएगा सीरीज में 40, तो 20 और 20 ऊपर 40 नीचे 40, तो अपने पास अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20 का, ठीक है? समझ पा रहे हो तुम मेरी बात की नहीं समझ पा रहे हो? ए वाला पॉइंट था और बी वाला पॉइंट था, भाई एकदम सुप्रीमली क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ऊपर का 20 और 20 कितना हो गया सर, 40 हो गया, जी हाँ बिल्कुल, और नीचे का 20 और 20 कितना हो गया सर, ये भी 40 हो गया, जी हाँ बिल्कुल, बी वाला पॉइंट था, ये ए वाला पॉइंट था। अब जरा गौर करना क्या होता है, 40 और 40 का पैरेलल आपको देगा 20 ओम्स एज द रिजल्टेंट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है। आपको जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं एक और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन करवाता हूं।
हो गया, 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो बेटा अब जरा एक और क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए, इसमें आपको फिर से वही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि इवैल्यूएट करना है रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का। क्या बोला मैंने कि सर आपको इवैल्यूएट करना है रेजिस्टेंस ए और बी वाले पॉइंट्स के बीच में। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर यू, तो जरा सवाल पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। सवाल कुछ इस तरह का है, एक रजिस्टर यहां लगा के रखा है, एक रजिस्टर यहां पर लगा के रखा है और एक रजिस्टर यहां पर लगा के रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया बेटा, एक वायर लिया ऐसे लगा दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक वायर लिया ऐसे लगा दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब आपको यहां पे एग्जैक्टली ए वाला पॉइंट है और बी वाला पॉइंट है, इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है। गिवन दैट ये वाला 10 ओम का डिवाइस है, ये वाला भी 10 ओम का डिवाइस है और ये वाला भी 10 ओम का डिवाइस है। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर, भाई जल्दी ट्राई करो, सवाल तुम्हारे हवाले। 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर, आ गया समझ। चलो भाई अब एक काम करना शुरू करते हैं, इसका नामकरण करना शुरू करते हैं। देखो इसका नाम है, इसका नाम है बेटा, वायर के बीच में कुछ नहीं लगा है, मतलब इसका नाम भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम बी था तो इसका नाम बी, वायर के बीच में कुछ नहीं लगा है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूशन के हिसाब से यू जस्ट हैव ओनली टू पॉइंट्स, सॉल्यूशन के हिसाब से यू हैव ओनली टू पॉइंट्स, सॉल्यूशन के हिसाब से यू हैव ओनली टू पॉइंट्स। कौन कौन से हैं वो दो पॉइंट्स, पहला लगा हुआ एक 10 ओम का रजिस्टर ए और बी के बीच में, पहला लगा हुआ एक 10 ओम का रजिस्टर ए और बी के बीच में लगा दिया अपन ने, इसकी बात हो चुकी है पूरी, डन 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 डन, ठीक है। दूसरा लगा हुआ ए और बी के बीच में 10 ओम, तो भैया ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर लगाना है 10 ओम का, एक ही तरीका होता है उसका, ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, ए और बी के बीच में एक और लगा है 10 ओम का, तो ए और बी के बीच में एक और लगा देते हैं अपन 10 ओम का, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अब मेरी बात समझते हुए चलना, क्या होने वाला है इसकी वजह से बेटा, क्या होगा इसकी वजह से, जरा गौर करें। 10, 10, 10 मतलब 3 लग गए यहाँ पे, तो अपने पास क्या हो जाएगा 10/3, ठीक है। ये अपन सॉल्व करना जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमें तो नजर नहीं आनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा 10/3, मतलब 3.3 ओम्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, डन 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 हो चुका है पूरा फंडा। जल्दी इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा, ये था अपने पास इसकी एंडिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो भाई चलो, शानदार सी बात। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आप लोगों को दिखा दिया गया था, दिस वाज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। मेरे ख्याल से आपको पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो को देख के आपको लगा कि हाँ भाई इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प करी है थ्योरी समझने के लिए भी और एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझने के लिए भी, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो जरा प्यार बरसाएं इस वीडियो के ऊपर, इसको लाइक करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको शेयर करो अपने सारे दोस्तों में। और खास तौर से जो वीडियो है ना, वो जब आपके एग्जाम्स आएंगे ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, तब तो काफी लोगों का क्या होता है कि वो लोग स्कूल जाते कम है तो प्रैक्टिकल करते कम है, तो कई लोग तो अपना क्या है सेटअप पहचान नहीं पाते कि भैया क्या मीटा ब्रिज है क्या मीटा ब्रिज नहीं है, तो उन लोग के लिए खास तौर से ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है इन द लास्ट मोमेंट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस एक काम करना, अगर कोई भी फीडबैक हो या कोई भी सजेशन हो, तारीफ हो या बुराइयां हो, कुछ भी हो, वो बेहिचक कमेंट सेक्शन में जाकर के लेकिन प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें मुझ तक आप पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।